राजस्थान में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। खबरें हैं कि पार्टी इस बार तीनों राज्यों में सीएम पद के लिए नए चेहरे लाने पर विचार कर रही है। ऐसे में राजस्थान में हलचल शुरू हो गई है और वसुंधरा राजे ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। इसी बीच उनके बेटे दुष्यंत सिंह पर बीजेपी विधायकों को रिजोर्ट में रुकवाने का आरोप लगा है। रिजोर्ट में ठहरे विधायकों में से एक हेमराज मीणा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने राजस्थान रिजोर्ट से अपने बेटे और बारां के किशनगंज से विधायक ललित मीणा को लेने गए थे, लेकिन विधायक कंवरलाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि ललित मीणा को जाने से पहले उन्हें दुष्यंत सिंह से बात करनी होगी। इसके बाद उन्होंने दुष्यंत सिंह को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि रिजोर्ट में झालावाड़ के और बारां के तीन विधायकों को रखा गया था। वो मिलने गया था, तो मिलने गया था तो फिर वो कारल भी मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कारल तो जाएंगे, तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उसको ले आया, मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप, कहाँ का नाम है? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे, किसने रोक रखा था, किसके बुलावे पे गए थे? उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। हेमराज मीणा ने बताया कि ललित को मंगलवार को ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें रिजोर्ट में छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने वसुंधरा राजे के दिल्ली जाने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते शुभकामनाएं देने के लिए दिल्ली गई हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है और यहाँ सब कुछ ठीक है।